सर पहले शादी करें या एक फोर व्हीलर लेकर भारत सरकार लिखवा लें, क्योंकि अक्सर जिस समाज से वहाँ पर हम आते हैं ना, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा भौकाल का होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो इस बात को लेकर यहाँ पे। तो वो भौकाल शब्द अगर आप समझ रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आपको मेरा आंसर मिल गया। एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी अगर तैयारी करता है तो उसको भी पता है कि भाई पहले पावर है, उसके बाद बाकी चीज़ें। वो इंटरव्यू में बेशक चाहे कुछ भी बोल ले, कारण तो एक पीछे यही है कि हाँ भैया पावर चाहिए। सत्ता का नशा बहुत बड़ा नशा होता है, आपने उस चीज़ को कमाया है, ऐसा थोड़ी किसी से छीन के लेके आए हो। वो भारत सरकार नाम हर कोई कमा पाता है क्या? नहीं कमा पाता। तो जब कमाया तो भाई लगाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। एक भाई साहब सुपर चैट आया है। यहाँ पर अमृत ने एक सुपर चैट किया है डुमराव टीवी, ठीक है। और सर पहले शादी करें या एक फोर व्हीलर लेकर भारत सरकार लिखवा ले। देखो अमृत, मैंने कल भी आपसे जहाँ तक फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, मैंने कल भी आपसे एक बात कहा था कि अब ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। और ट्रेंड यहाँ पर ये हो चुका है ना कि सरकारी नौकरी लगते ही यहाँ पर तुरंत एक गाड़ी लो, चाहे ईएमआई पर लो, चाहे जैसे भी लो, और उसके बाद तुरंत वहाँ भारत सरकार लिखाओ। और हालांकि ये बुरा ट्रेंड नहीं है, अगर हमने मेहनत की है किसी चीज़ के लिए तो इसी चीज़ के लिए की है भाई, क्योंकि अक्सर जिस समाज से वहाँ पर हम आते हैं ना, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा भौकाल का होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो इस बात को लेके यहाँ पे। तो वो भौकाल शब्द अगर आप समझ रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आपको मेरा आंसर मिल गया होगा। यानी पहले गाड़ी ले लो मेरे भाई, ताकि जब उसके दरवाजे पर भी रिश्ता मांगने जाओगे, उसका हाथ मांगने जाओगे, तो कम से कम उसके गांव वाले भी कहेंगे कि चलो भारत सरकार का कोई यहाँ पर प्रतिनिधि आया है मेरे भाई, कोई ऐसा ऑफिसर आया है इस गांव में जिसकी खुद की वैल्यू है, जो किसी डिपार्टमेंट में है, तो वो अलग ही भौकाल बनाएगा। बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए पहले यहाँ पर जो है वो भारत सरकार वाली गाड़ी लेनी है, उसके बाद ब्याह करनी है, ठीक है। और आप सभी से मैं बोलूँगा यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ रहे हैं ना। एक बात बताओ, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो किसका यहाँ पर मन नहीं होता है, ठीक है, कि हम लोग जो है कल के दिन गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। हर कोई यार मेहनत करता भी तो इसी चीज़ के लिए कि एक लग्जरियस लाइफ मिले, ठीक है। एक आगे चल के चलो ना सही तो अपने माँ बाप को थोड़ा सुकून देंगे हम यहाँ पे, थोड़ा अपने नाम का अपने समाज में भौकाल होगा भाई। तो वही वाली बात है, इसमें गलत क्या है। कौन यहाँ पर, एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी अगर तैयारी करता है तो उसको भी पता है कि भाई पहले पावर है, उसके बाद बाकी चीज़ें। वो इंटरव्यू में बेशक चाहे कुछ भी बोल ले, कारण तो एक पीछे यही है कि हाँ भैया पावर चाहिए। सत्ता का नशा बहुत बड़ा नशा होता है, ठीक है। तो वो वाला नशा चाहिए भाई। तो वही बात है कि इसमें आता है भाई, आप भी चाहते हो कि लोग आपको पहचाने, समाज में जाने, आपके नाम को जाने, आपकी वैल्यू हो, रिस्पेक्ट हो, कद्र हो, तो बस उसी चीज़ के लिए मेहनत है। और जब मेहनत करके कमा ली तो उसके बाद उस चीज़ को लेने में क्या है और उसको शो करने में क्या है, क्या दिक्कत है, ठीक है। आपने उस चीज़ को कमाया है, ऐसा थोड़ी है किसी से छीन के लेके आए हो। वो भारत सरकार नाम हर कोई कमा पाता है क्या? नहीं कमा पाता। तो जब कमाया तो भाई लगाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है।